नमस्कार, मैं हूँ डेजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट्स दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब हमें दिल्ली में बेड की कमी नहीं है। पिछले एक हफ्ते से 6000 बेड की जरूरत रही है। दिल्ली में ज्यादातर लोगों को माइल्ड कोरोना हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास दिल्ली में 13500 बेड तैयार रखे हैं, 7500 बेड खाली हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मरीजों के घर में ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया गया है, यह एक सुरक्षा कवच है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि LNGP अस्पताल में पहले की तुलना में अब आधी से भी कम मौतें होती हैं। वहीं बीच में बेड की दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। सबको नमस्कार। आज दिल्ली में लगभग 74,000 टोटल कोरोना के केस हो चुके हैं। 74,000 काफ़ी केसेस हैं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी स्थिति काबू में है। चिंता की बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन पहले तक हम लोग लगभग 5 से 6 हज़ार टेस्ट रोज़ किया करते थे। जब हम 5 से 6 हज़ार टेस्ट रोज़ कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस रोज़ आते थे पॉजिटिव। हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के 18,000 कर दी। पिछले कुछ दिनों से 18 से 20 हज़ार टेस्ट रोज़ हो रहे हैं, तो 3 गुना हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के कर दी। तो जाहिर तौर पे जब टेस्ट इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो केसेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो जैसे जब हम 5 से 6 हज़ार टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस पॉजिटिव आते थे। अब जब 18,000 केस रोज कर रहे हैं तो अब 3 से 3,500 केस इतने ही बढ़े। हमने टेस्ट 3 गुने कर दिए, लेकिन पॉजिटिव केस 2 से 3,000, पहले 2,000 आते थे, अब 3,000 आने लगे, 3,500 आने लगे। तो जाहिर तौर पे मान लीजिए कल हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख टेस्ट करेंगे तो केसेस थोड़े से ज़्यादा आएंगे। अच्छी बात यह है कि 74,000 टोटल केस अभी तक हुए, इनमें से 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो लोग बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। ज़्यादा टेस्ट करने की वजह से ज़्यादा संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन लोग ठीक बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। 2400 के करीब टोटल लोगों की अभी तक मौत हुई है दिल्ली में। आज की डेट में 26,000 टोटल पेशेंट हैं अभी कोरोना के, 26,000 टोटल पेशेंट हैं। उन 26,000 में से केवल 6,000 हॉस्पिटल में हैं, बाकी सब अपने घर पे अपना इलाज करा रहे हैं। बाकी सारे पेशेंट माइल्ड, थोड़ा बुखार है, थोड़ी खांसी है, ऐसे ही हैं। 6,000 पेशेंट अस्पतालों के अंदर हैं। मैं पिछले कुछ दिन का डेटा देख रहा था, 19-20 तारीख के बाद से, आज 26 तारीख हो गई ना, पिछले एक हफ्ते में टोटल बेड की संख्या, जो बेड पे पेशेंट सभी हैं, जो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, वो लगभग 6,000 के करीब रही है। मतलब कभी किसी दिन 6,000 है, किसी दिन 6100 बेड है, किसी दिन 6200 है, किसी दिन फिर 6100 आ जाती है, किसी दिन फिर 6150 हो जाती है। यानी कि हालांकि रोज 3-3,500 मरीज नए आ रहे हैं, लेकिन इन नए मरीजों को हॉस्पिटल के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब ये सीरियस मरीज नहीं है। दिल्ली में जितने लोगों को कोरोना हो रहा है वो माइल्ड कोरोना हो रहा है, हल्का कोरोना हो रहा है। कोरोना होता है वो ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की कम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। और जितने लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है, लगभग उतने ही लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बेड की रिक्वायरमेंट जो है अपने दिल्ली में, वो अब 6,000 पिछले एक हफ्ते से
लगभग 6,000 बेड्स की जरूरत है, और अभी हमारे पास दिल्ली में 13,500 बेड हमने तैयार कर रखे हैं। अस्पतालों में 13,500 बेड इस टाइम अपने तैयार हैं, उसमें से 7,500 बेड खाली हैं और केवल 6,000 बेड पे पेशेंट हैं, और ये 6,000 बेड पिछले एक हफ्ते से लगातार कांस्टेंट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो शायद हो सकता है आईसीयू के बेड की जरूरत पड़े। अब हमें लोगों की जान बचाने के लिए हो सकता है आईसीयू के बेड बढ़ाने पड़े, तो हम दोनों ही कर रहे हैं। हालांकि हमने आज 13,500 बेड हमारे पास है, 7,500 बेड खाली हैं, फिर भी आज हमने कैबिनेट करी थी। कैबिनेट में हमने बुराड़ी के अस्पताल में 450 बेड और बढ़ाने की परमिशन दे दी, उसका पैसा सैंक्शन कर दिया। दिल्ली के बैंक्वेट हॉल्स के अंदर, अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं परसों गया था, LNJP हॉस्पिटल के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर 100 बेड का हमने इंतजाम किया है। ऐसी दिल्ली के जगह जगह बैंक्वेट हॉल्स के अंदर हम बैंक्वेट हॉल को अस्पताल के साथ जोड़ देंगे, उस बैंक्वेट हॉल में हम बेड, दिल्ली के कई सारे बैंक्वेट हॉल्स में बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं। तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। जैसा मैंने कहा, पिछले एक हफ्ते में 6,000 बेड से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ रही, आज हमारे पास 13,500 बेड है, फिर भी कल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, परसों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर बाई चांस ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीच में कुछ दिन ऐसे थे जून के महीने के पहले हफ्ते में, जब थोड़ी सी पूरे दिल्ली के अंदर बेड की कमी हुई थी, मेरे पास भी खूब फ़ोन आते थे, रात रात भर मैं लोगों के फ़ोन अटेंड करता था, उनके लिए बेड का इंतजाम करता था, इस अस्पताल में उस अस्पताल में। अब स्थिति कंट्रोल में है, अब काफ़ी होटलों के अंदर हमने पिछले 10 दिन में लगभग 3,500 बेड्स का इंतजाम किया होटलों के अंदर, उनको हमने अस्पतालों से अटैच कर दिया, इस वजह से बेड्स इतने बढ़ गए हैं। और अब आने वाले टाइम में बैंक्वेट हॉल में बेड्स लेंगे, बुराड़ी अस्पताल तैयार हो जाएगा, और भी कई सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, साथ में आईसीयू के अंदर बेड्स बढ़ा रहे हैं, GTB हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में और LNJP में, इन तीनों के अंदर आईसीयू के बेड्स की बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम मात्रा बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि अगर सीरियस मरीजों को ज़रूरत पड़े तो उसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। मौत के अंदर कोरोना से लोग, अगर कोरोना, पहली बात तो भगवान करे कोरोना हो ही ना आपको, अगर कोरोना हो भी जाए तो आप सही सलामत ठीक हो जाए। कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए, उसे रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए हमने दो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक तो है प्लाज्मा थेरेपी, आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मैं प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया करता था। दिल्ली पहला राज्य था पूरे देश में जहां प्लाज्मा थेरेपी को हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ शुरू किया, हमने इसके ट्रायल किए, LNJP अस्पताल में इसके ट्रायल हुए, 29 केसेस के ऊपर ट्रायल किए गए और उनके नतीजे बहुत अच्छे आए। उन नतीजों को फिर हमने केंद्र सरकार में सबमिट किया। अब हमें 200 और पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाज़त मिली है। तो सरकारी अस्पतालों में LNJP और राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त मिली है, और इसके बाद कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त ले ली है, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस टाइम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं। इसके नतीजे ये दिखाते हैं कि अगर कोई मॉडरेट पेशेंट है, अगर कोई बहुत सीवियर पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स को तो शायद प्लाज्मा थेरेपी से बचा पाना मुश्किल हो, लेकिन जो लोग अभी, जिनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, उनको अगर दिया जाए तो उनकी हालत को आगे बिगड़ने से रोका जा सकता है इससे, ऐसा अभी तक के नतीजों ने दिखाया है। तो प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं। LNJP
अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे हम इसको कम कर पाएंगे। दूसरी चीज, कोरोना में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि मरीज का ऑक्सीजन का लेवल अचानक कम हो जाता है। एक आम आदमी का ऑक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए, अगर ये 90 से कम हो जाए तो ये खतरा माना जाता है, 85 से कम हो जाए तो बहुत सीरियस माना जाता है। अब इसमें जैसे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 हो जाए या 85 हो जाए तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होती है, सांस रुकती है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं इस बीमारी में जिसमें ये देखा गया कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया लेकिन कोई सिम्टम्स ही नहीं है और अचानक फिर ड्रॉप हो जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक निर्णय लिया है, निर्णय नहीं लिया, लागू कर दिया है कि जितने लोग घरों में जिनका इलाज चल रहा है, होम आइसोलेशन में है, माइल्ड सिम्टम वाले हैं, ए सिम्टम बिना लक्षण वाले मरीज हैं, जिनको कोरोना है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, ऐसे सारे मरीजों के घर में हम लोगों ने ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया है। हो सकता है कुछ एक बचे हों लेकिन लगभग सारे, मेरे को बताया गया कि लगभग सारे मरीजों के घर में ऑक्सीमीटर हम लोगों ने पहुंचा दिया। ये ऑक्सीमीटर आपका सुरक्षा कवच है। जिन जिन लोगों को ऑक्सीमीटर मिला है कोशिश करके हर घंटे दो घंटे में एक बार ऑक्सीजन नाप लेना, बड़ी आसान होता है, उंगली में लगा के आप ऑक्सीजन आधे मिनट में नाप सकते हो। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे आ जाए आप तुरंत हमें फ़ोन कर देना, आपके घर पे ऑक्सीजन इमरजेंसी में भिजवा देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में एडमिट कर देंगे। तो ये ऑक्सीमीटर आपका सुरक्षा कवच है। आप अगर ऑक्सीजन अपनी नापते रहोगे तो उम्मीद करते हैं कि फिर आप ठीक रहोगे। मैंने कल, एक मरीज हैं जिनका घर में इलाज चल रहा है, कानन साहब, उनसे फ़ोन पे बात की थी मैंने। उनसे मैंने पूछा कि ऑक्सीमीटर मिल गया, वो उनको मिल गया, वो कह रहे हैं बहुत खुश हैं वो। मैं एक बार ही आपको वो वाली उनसे जो मेरी बातचीत हुई वो मैं सुनाना चाहता हूँ। हेलो, हाँ कानन साहब। हाँ सर। हाँ अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, कैसे हैं? नमस्ते सर, बिल्कुल ठीक हूँ सर। बिल्कुल ठीक है, कोरोना है ना आपको? हाँ कोरोना है सर, पर अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं कोई सिम्टम नहीं है? नहीं है सर। तो इसमें कोरोना में ना एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, वो है ऑक्सीजन लेवल। तो जैसे अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 95 होना चाहिए। ओके। लेकिन अगर ये 95 से नीचे आता है, 90 से नीचे चला जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, खतरनाक हो जाता है। ओके। 85 से और नीचे चला जाए तो और खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ओके। और इसमें कभी कभी पेशेंट्स को, वैसे तो ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसमें कभी कभी पता ही नहीं चलता और कोई सिम्टम नहीं आते और ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जाता है। ओके। इसीलिए आप सब लोगों को हमने ये ऑक्सीजन मीटर, पल्स मीटर भेजा है। मिल गया आपको? हाँ सर, मिल गया सर, मिल गया सर हमको। नाप रहे हैं ना आप अपना ऑक्सीजन? बिल्कुल, हर दो दो घंटे में नाप लिया करो, इसमें अचानक कई बार गिर जाता है ऑक्सीजन। ओके सर, ओके तो, सर। कितना है अभी आपका ऑक्सीजन लेवल? मेरा जो है 97 के ऊपर है सर, 97.60 है सर। 97.6 है, बहुत अच्छा है। घर में कौन कौन है आपके? सर मम्मी है और वाइफ है, दो बच्चे हैं सर। सबके, आप अलग कमरे में रह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनको तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और खासकर मम्मी का ख्याल रखना क्योंकि वो बुजुर्ग है ना, उनको होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है सर। और दिल्ली गवर्नमेंट से फोन आता है दिल्ली आपको गाइड करने के लिए? रोज आता है सर मेरे, रोज फोन आता है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। भगवान आपका भला करे, आप जल्दी ठीक हो, जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमसे बात किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू कानन साहब, बाय। हेलो
हाँ तो आप लोगों ने बातचीत सुनी कानन साहब से, इस तरह के ढेरों मरीज हैं जो, हजारों मरीज हैं जो अभी तक घर में ठीक हो चुके हैं और जिनका अभी घर में इलाज चल रहा है, उनकी भी सेफ्टी के लिए हम कदम उठा रहे हैं और जो अस्पताल में आ रहे हैं उनकी भी इलाज के लिए कदम उठा रहे हैं। तो जो जो लोग बीमार हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हों, और जो जो लोग बीमार नहीं हैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको कोरोना बिल्कुल ना हो। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।